वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीज़र तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफ़िशियल ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस

वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ, शॉर्ट्स जो है, वो उसके देखे जरूर है जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी होगी so, एंड मेरी तरफ से थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप्सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय। वेल well, अभी-अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है, ये एक है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरी तरफ से इस थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो so, वीडियो आई आई होप सो कि पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी है या नहीं तो ये होगी so, एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट जो है वो उसके देखे जरूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो so, एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर ट्रेलर जो है ऑफिशियल वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे, कर दिया है। इस मुझे को कर, तो ये मूवी आ रही है इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो, so, वीडियो, वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो है वो उसके देखे जरूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो so, एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफ़ी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई आई होप सो कि वीडियो पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर ट्रेलर जो है ऑफिशियल वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हां इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई आई होप सो कि वीडियो पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद आ एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई so, पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफ़ी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट जो है वो उसके देखे जरूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रोनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने

वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर ट्रेलर जो है ऑफिशियल वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे को, तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद मेरी से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर ट्रेलर जो है ऑफिशियल वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हां इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई आई होप सो कि वीडियो पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे जरूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी तो 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 या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव आई तो होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट जो है वो उसके देखे जरूर है जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी होगी so, एंड मेरी तरफ से थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप्सो so, के वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई आई होप सो कि वीडियो पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस है को, तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए या नहीं तो ये होगी so, एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट जो है वो उसके देखे जरूर है जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो so, एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय। वेल well, अभी-अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है, ये एक है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो so, वीडियो आई आई होप सो कि पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे, कर दिया है। इस मुझे को कर तो ये मूवी आ रही है इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो, so, वीडियो, वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो है वो उसके देखे जरूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद आ एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई so, पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रोनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो so, वीडियो आई आई होप सो कि पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे, कर दिया है। इस मुझे को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो, so, वीडियो, वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट जो है वो उसके देखे जरूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रोनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने

वीडियो में तब तक के लिए well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर अपलोड कर, कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई आई होप सो कि वीडियो पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो so, वीडियो आई आई होप सो कि पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस

वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने

वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर ट्रेलर जो है ऑफिशियल वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो so, वीडियो आई आई होप सो कि पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हां इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई आई होप सो कि वीडियो पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे, कर दिया है। इस मुझे को कर, तो ये मूवी आ रही है या नहीं तो ये होगी so, एंड मेरी तरफ से थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट जो है वो उसके देखे जरूर है जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी होगी so, एंड मेरी तरफ से थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय। वेल well, अभी-अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है, ये एक है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो so, वीडियो आई आई होप सो कि पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे, कर दिया है। इस मुझे को कर, तो ये मूवी आ रही है या नहीं तो ये थी थोड़ी so, तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो है वो उसके देखे जरूर है जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे, कर दिया है। इस मुझे को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो, so, वीडियो, वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय। वेल well, अभी-अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रोनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हां इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे, कर दिया है। इस मुझे को कर तो ये मूवी आ रही है या नहीं तो ये थी थोड़ी so, तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस

वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफ़ी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट जो है वो उसके देखे जरूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रोनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने

वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय। वेल well, अभी-अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहां पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हां इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे, कर है। इस मुझे को कर तो ये मूवी आ रही है या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे जरूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो, so, वीडियो पसंद आ एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव वीडियो आई so, पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट जो है वो उसके देखे जरूर है जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो होगी एंड मेरी तरफ से थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई होप्सो so, के वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो, so, वीडियो, वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय। वेल well, अभी-अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे को, तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए या नहीं तो ये थी थोड़ी सीडियो सी so, के थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर ट्रेलर जो है ऑफिशियल वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कम्प्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहां पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नजर आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो आई आई होप सो कि वीडियो पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक थड़म मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंदिक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे जरूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये होगी so, एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मिलूंगा आपको नए वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर वो रिलीज कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हाँ ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफ़ी हद तक लगता है कि ये एक थर्डम मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ, शॉर्ट्स जो है, वो उसके देखे जरूर है जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूंगा फिर बाद में मैं थड़म को जरूर देखूंगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहां पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देख देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नज़र आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी होगी so, एंड मेरी तरफ से थ्री पॉइंट फाइव स्टार्स आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय वेल well, अभी अभी मैंने देखा गुमराह का ट्रेलर जिसका टीजर तकरीबन दो वीक पहले ही अपलोड कर दिया गया था एंड आज उसका ट्रेलर जो है ऑफिशियल ट्रेलर ट्रेलर वो रिलीज़ कर दिया गया तो किस तरह का ये ट्रेलर बनाया गया है हा ये जानते हैं इस वीडियो में तो ट्रेलर पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि कई लोग भी कह रहे हैं एंड मुझे भी काफी हद तक लगता है कि ये एक मूवी है जो है साउथ इंडिया की ही थी तो ये उसी का एक रीमेक बनाया जा रहा है तो मैंने उसको पर्सनली कंप्लीट तो नहीं देखा लेकिन हाँ चंद एक शॉर्ट्स जो हैं वो उसके देखे ज़रूर हैं जिनको देखने के बाद मुझे वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी तो ऑब्वियसली अगर वो अच्छी है इसी वजह से इसका ये एक रीमेक बनाया जा रहा है तो ये मूवी मैं पहले देखूँगा फिर बाद में मैं थड़म को ज़रूर देखूँगा बात करते हैं ट्रेलर के बारे में तो ट्रेलर किस तरह का बनाया गया तो ट्रेलर मुझे पर्सनली अच्छा लगा है क्योंकि इसमें आप लोगों को क्राइम ड्रामा थ्रिल और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्नस भी देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने अगर ट्रेलर के यहाँ पर थंबनेल में ही चेक किया होगा तो आप लोगों को दो करेक्टर नजर आएंगे आदित्य रॉय कपूर के ही दो करेक्टर नज़र आ रहे हैं जिनको देखने के बाद मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ था कि ये क्यों बनाया लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसमें डबल रोल होने वाला है जी हाँ इसमें आदित्य रॉय कपूर का डबल रोल होने वाला है एंड मुरनल ठाकुर जो है वो एक पुलिस इंस्पेक्टर हैं एंड उनके भी ऊपर जो है वो है जी रौनित रॉय जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड उन्होंने इस मूवी में जो एक्टिंग की है वो वाकई में लाजवाब लग रही है बाकी इस ट्रेलर ने मुझे एक्साइटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर तो ये मूवी आ रही है जी ऑफ अप्रैल को तो मैं तो जरूर देखूंगा आप लोग बताइए कि आप लोग देखेंगे या नहीं तो ये थी थोड़ी सी वीडियो so, वीडियो आई आई होप सो कि पसंद होगी एंड मेरी तरफ से इस ट्रेलर को थ्री पॉइंट फाइव स्टार आउट ऑफ फाइव तो ये थी, थी थोड़ी सी वीडियो आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी वीडियो में कोई भी सवाल हो नीचे कॉमेंट कर दीजिएगा मैं उसका जरूर रिप्लाई कर दूंगा मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय